मुरादाबाद के लाइनपाड़ क्षेत्र के व्यापारियों ने मंडलायुक्त को एक ज्ञापन पेश करके मुख्यमंत्री डी योजना के तहत किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान में लगभग 500 परिवारों के घर एवं कारोबारी प्रतिष्ठान बचाए जाने की मांग उठाई गई है। लाइनपाड़ क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा कमिश्नर मुरादाबाद मंडल अंजनी कुमार सिंह को पेश किए गए ज्ञापन में कहा गया कि उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह चौक से केल्टन स्कूल की पुलिया तक सड़क चौड़ीकरण हेतु दुकानों मकानों को तोड़ने के लिए चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। कहा गया है कि यह मोहल्ला सदियों पुराना बसा हुआ है तथा रोड के बीच में डिवाइडर बना है तथा सड़क के दोनों तरफ किनारों पर नाला बना हुआ है। ये सड़क पहले से ही काफी चौड़ी है तथा आवागमन एवं यातायात व्यवस्था कभी भी प्रभावित नहीं हुई है। नगर निगम द्वारा डिवाइडर के दोनों तरफ करीब 20 मीटर रोड चिन्हित की गई है, जबकि मौके पर डिवाइडर के दोनों तरफ 24 मीटर से भी चौड़ा रोड मौजूद है। कहा गया है कि वह इस अभियान से काफी आहत हैं और दुखी व परेशान हैं। पूरे क्षेत्र में रोज व्याप्त है। मंडलायुक्त से करीब 500 से अधिक परिवारों को बेघर एवं बेरोजगार होने से बचाए जाने की मांग उठाई गई है। मंडलायुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया है कि किसी का भी जानबूझकर उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत यदि किसी का कारोबार उजड़ता है तो सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने एवं वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का आश्वासन भी कमिश्नर मुरादाबाद द्वारा दिया गया है। लाइनपाड़ क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन के विषय में जब क्षेत्रीय नागरिक राजकुमार यादव उर्फ राजू एवं अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य से बात की गई तो उन्होंने संयुक्त रूप से बताया कि व्यापारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन एवं आश्वासन के विषय में जब मंडलायुक्त आंजनी कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने पत्रकारों को बताया। व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मंडलायुक्त से मिला था, क्या मामला? हम सब लाइन पर व्यापारी आज एकत्र होकर यहाँ कमिश्नर ऑफिस तक पहुँचे हैं। सीएम ग्रिड योजना के तहत चिड़िया टोले से लेकर चौधरी चरण सिंह चौक तक एक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट आया है, जिसके तहत हम सारे दुकानदारों की बहुत सारी जगह लगभग लोग पूरी कुछ दुकानें तो ऐसी जो पूरी पूरी जा रही हैं, तो नगर निगम के हम इस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने उसका स्वागत किया है। हम केवल आज कमिश्नर साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि जो हम उससे बेघर हो रहे हैं अपनी अपनी दुकानों से, शोरूम या छोटी छोटी जगहों से, तो वो जगहों से हमें कुछ राहत दी जाए और हम ताकि हम वहाँ से ना उजड़ें और प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाए। क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने यही आश्वासन दिया है कि मैंने यहाँ अभी किसी को उजाड़ा नहीं है और अगर प्रोजेक्ट आता है आप लोग उसके अगर साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ, जहाँ तक हो सकता है संभावना कम से कम क्षति पहुँचाने की होगी। तीन के जो व्यापारी मिले थे उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत जो लाइन पार में एरिया चिन्हित किया गया है तो उसमें इनका कहना है कि जो अभी जो चिन्हित किए गए हैं एरिया जो अतिक्रमण हटाने के लिए, उसकी वजह से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाने की उम्मीद है, तो उसमें ये कह रहे थे कि ये खुद से सहयोग करेंगे बशर्ते कि एक बार ये फिर से रिव्यू कर लिया जाए कि कोई बेरोजगार ना हो। हमारा भी उद्देश्य नहीं है कि कहीं पे किसी को पूरी तरह से बेरोजगार करें। इस जो योजना है उसका उद्देश्य शहर को बेहतर बनाना है हर एक तरीके से, उसमें व्यापारी का ही फायदा होना है कि सड़क में कहीं पे कहीं जाम ना लगे, जो लोग शॉपिंग करने आते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हों, उस अगर सुविधाएं बढ़ेंगी तो व्यापारियों का की आय भी बढ़ेगी। लाइन पार एरिया काफ़ी समय से शिकायतें ये मिलती रही हैं कि ये उपेक्षित एरिया रहा है और कई सारी वजहों से एक तरफ कॉर्नर्ड हो जाता है, एक तरफ कोने में पड़ जाता है, तो एक विशेष इसमें नगर आयुक्त ने प्रपोजल रखा और ये प्रयास है कि उस एरिया को समग्रता से हम पूरे मुरादाबाद के एरिया को डेवलप कर सकें, विकसित कर सकें। अभी आप देख रहे हैं कि बुध बाजार जो बहुत ही कंजेस्टेड हुआ करता था, अभी उसकी शक्ल जब निकल के आई है तो अब मुझे लगता है कि लोगों को संतोष होना चाहिए कि बेहतर काम हो रहा है और मई के अंत में जब काम समाप्त होगा स्मार्ट सिटी का, रेट्रोफिटिंग का जो बुध बाजार एरिया का, तो लोगों को एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखेगी। वैसे ही हम लाइन पार में भी करना चाहते हैं। जो लोगों ने यहाँ प्रत्यावेदन दिया है इस पर विचार किया जाएगा, नगर आयुक्त साहब के साथ बात की जाएगी, हमारी पूरी कोशिश होगी और अभी तक हमने जो किया है उसमें यही रहा है कि किसी को बेरोजगार करने का न तो उद्देश्य है
बल्कि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो व्यापार है उसमें वृद्धि हो। तो बेरोजगार करने या किसी का व्यापार छीने जाने की कोई का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर ऐसी मजबूरी बनी भी तो जैसा हमने बाकी पहले भी जो लोग विस्थापित हो रहे थे उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी है, वैसे वैकल्पिक व्यवस्था भी देंगे। फिलहाल अभी तो इतना है कि जो इन लोगों के द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया इस पर एक बार विचार किया जाएगा, इस पर देखा जाएगा कि क्या अगर इनकी बात में थोड़ी भी है तो उसमें हम प्रयास पूरा करेंगे कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कम से कम लोगों का नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और अल्टीमेट जो उद्देश्य है लोगों का फायदा करना ही है, लोगों को लाभ पहुंचाना ही है, किसी का नुकसान करना इसका ध्येय कतई नहीं।